अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टडी करने जा रहे हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन TCP/IP। देखिए, TCP/IP क्या है? एक प्रोटोकॉल है। अब आपको आइडिया है कि प्रोटोकॉल क्या होती है? प्रोटोकॉल जस्ट एक नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर है जो आपके नेटवर्किंग जो इक्विपमेंट है, जो भी हार्डवेयर है नेटवर्किंग का, उसके ऊपर इंस्टॉल होती है। और फिर इसके बगैर आपकी कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होती। डिफरेंट डिवाइसेस जो हैं वो इन इन प्रोटोकॉल्स की बेसिस पर जो है डाटा एक्सचेंज करती हैं और कम्युनिकेट करती हैं। अब फॉर एग्जांपल, इंटरनेट की एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, हम उसे कहते हैं TCP/IP। और ये बेसिकली दो प्रोटोकॉल्स का मजमुआ है। TCP एक प्रोटोकॉल है और दूसरी IP प्रोटोकॉल है। तो ये यानी अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई इंटरनेट में कौन सी प्रोटोकॉल यूज़ होती है, तो आप सिंपली कह सकते हैं कि TCP/IP इंटरनेट में यूज़ होती है। ये हम आगे आके देखेंगे OSI मॉडल, उसमें आपको आइडिया होगा कि TCP स्टैंड कहाँ कर रही है। उस लेयरिंग, काफ़ी सारे लेयर्स के वो स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ उसमें लेवल्स हैं, ठीक है। अब आपको आइडिया होगा OSI जब स्टडी करेंगे कि TCP कहाँ स्टैंड कर रही है और IP कहाँ स्टैंड कर रही है। तो TCP/IP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल टुडे। आप चाहे वाईफाई में यूज़ करते हैं, चाहे वो आप वायरलेस लैन में यूज़ करते हैं, या इंटरनेट की कोई भी सर्विस आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आप वैन की कोई सर्विस यूज़ कर रहे हैं, तो वो वहाँ पर आपकी TCP/IP लाजमी रन हो रही होती है। आप तक कोई भी इंटरनेट का पैकेट बगैर TCP/IP को यूज़ करते हुए वो नहीं पहुंच सकता आपके कंप्यूटर तक, आपके लैपटॉप तक। इट इज़ यूज टू ट्रांसफर डाटा ओवर द इंटरनेट एंड कंसिस्ट ऑफ टू प्रोटोकॉल्स। तो ये इंटरनेट पर तमाम डाटा कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ होता है, और जिसमें दो प्रोटोकॉल्स का ये मजमुआ है। एक आपकी जो TCP है, द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ डाटा। यानी जो पहली प्रोटोकॉल है TCP, ट्रांसमिशन, तो ये जस्ट ट्रांसपोर्ट, आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको कंट्रोल कर रही है, या फिर वो डाटा को डिलीवर कर रही है इनफैक्ट, ठीक है, कम्युनिकेशन वगैरह हैंडल कर वो डाटा को डिलीवर करवाती है। एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स एड्रेसेस एंड राउटिंग इन्फॉर्मेशन। जबकि आपकी जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है, IP प्रोटोकॉल, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, और ये तमाम एड्रेसेस को और राउटिंग की इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रही होती है। फॉर एग्जांपल, आप जब ईमेल करते हैं तो वो ईमेल आपके सिस्टम से निकला, ठीक है, यानी आपके सिस्टम कोई IP एड्रेस मिला हुआ था, तो आपके जो 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 पैकेट आपका निकला ना सिस्टम से, तो उसके ऊपर आपका सोर्स एड्रेस होगा, और वो सोर्स एड्रेस किस उस, कौन उसको मेंटेन कर रहा होगा, IP की प्रोटोकॉल में दे करूँ। और इसी तरह आपने अपने उस पैकेट में, ठीक है, जो ईमेल सेंड कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ हॉटमेल के सर्वर पर जाएगा, वो कैसे जाएगा, जब आपने उस पैकेट में डेस्टिनेशन IP भी रखा होगा हॉटमेल का, तो फिर ही वो जा सकता है। तो इट मीन्स ये जो एड्रेसिंग है ना आपकी सोर्स की या फिर डेस्टिनेशन की, ये सारी आपकी IP की प्रोटोकॉल मैनेज कर रही होती है। तो जाहिर है राउटिंग भी इसमें आ गई, क्योंकि एड्रेसेस जो हैं वो तमाम जितने भी बीच में राउटर्स आ रहे हैं वो देखते हैं, रीड करते हैं भाई कौन ये पैकेट कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। तो एड्रेसिंग भी यहाँ पर आ गई और राउटिंग भी आ गई। TCP/IP यूजेस पैकेट स्विचिंग टू ट्रांसमिट डाटा ओवर द इंटरनेट। अच्छा, आजकल जो है ना पैकेट स्विचिंग का दौर है, और इसे हम कहते हैं IP, यानी IP प्रोटोकॉल का ये एक एरा है। इसमें अब वो जो पहली पहली कम्युनिकेशन होती थी ना पुरानी, जिसना आप टेलीफोन आपके घर पे लगा हुआ है, लैंडलाइन, एक उसे हम कहते हैं सर्किट स्विचिंग। यानी उसमें पैकेट्स वगैरह नहीं होते एज सच फ्लो करते, वो एक डेडिकेटेड चैनल आपकी लाइन को अवेलेबल हो जाता है। लेकिन ये जो आप इंटरनेट की सर्विसेज है, स्काइप आप यूज़ करते हैं, वेबसाइट यूज़ करते हैं, तो ये तमाम आपके इंटरनेट की ट्रैफिक जो है ना, इसे हम कहते हैं पैकेट स्विचिंग। यानी आपके सिस्टम से पैकेट्स निकलते हैं और वो ट्रवर्स करते हैं कम्युनिकेशन चैनल पर, और फिर वो डेस्टिनेशन तक पहुँचते हैं। तो इस तरह से पैकेट्स जो हैं वो आपके स्विच कर रहे होते हैं और डिफरेंट रूट से होते हुए गुजर रहे होते हैं, राउटिंग हो रही होती है, तो वो सारी पैकेट स्विचिंग कहलाती है। तो इसके मुकाबले में एक पुराना जो सिस्टम है वो होता है, वो है सर्किट स्विचिंग, जो PTCL का मीडिया है, ठीक है। तो उसमें आपके एक जो है चैनल डेडिकेट हो जाता है कम आपकी आपकी कॉल के लिए, तो वो अलग एक मीडिया है, एक अलग मीडियम है, ठीक है, जबकि ये जो है बिल्कुल एक सेपरेट चीज़ है। इन दिस प्रोसेस डेटा इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पीसीज कॉल पैकेट्स टू बी ट्रांसफर टू ओवर द इंटरनेट। फॉर एग्जाम्पल, आप ईमेल सेंड करते हैं,
ठीक है, या आप स्काइप पे कम्युनिकेट करते हैं, कोई वेबसाइट एक्सेस करते हैं, तो वो आपका जो जो भी रिक्वेस्ट है आपकी, जो भी फाइल है, या तो वो डिवाइड हो जाती है बहुत सारे पैकेट्स में, बहुत सारे चंक्स में, छोटे छोटे पीसीज में, उनको हम कहते हैं पैकेट्स। दीज पैकेट्स आर रिजेंबल्ड रीअसम्बल्ड इन द प्रॉपर ऑर्डर व्हेन दे रीच द डेस्टिनेशन। यानी आपके सिस्टम से भी जब पैकेट्स निकले तो वो ज़ाहिर है डिफरेंट रूट से होते हुए अगर पहुँचेंगे डेस्टिनेशन पर, तो वो आगे पीछे हो जाएंगे, उनका ऑर्डर जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर उनको डेस्टिनेशन पर रीअसम्बल करना पड़ता है, उनको एक सीक्वेंस में लाना पड़ता है, और वो प्रॉपर सीक्वेंसिंग करनी पड़ती है। ज़ाहिर है हर पैकेट का एक नंबर होता है, 1 2 3 करके, इस तरह से एक सीक्वेंस में, तो उसको दोबारा से एक ऑर्डर में लाना पड़ता है। दीज पैकेट्स ट्रवर्स बाय डिवाइसेस कॉल्ड राउटर्स। तो वो जो पैकेट्स थे, वो तमाम डिफरेंट राउटर्स के थ्रू स्विच होकर आप तक पहुंच रहे होते हैं, या डेस्टिनेशन तक पहुंच रहे होते हैं। स्टेप वन यहाँ पर मेंशन किया गया कि टीसीपी प्रोटोकॉल ब्रेक्स डेटा इनटू पैकेट्स। यानी देखें, आपकी ईमेल अगर आपने सेंड करनी है, तो ईमेल हो सकता है कि 3 4 5 पैकेट्स, जितना साइज़ है ईमेल का, उसके अकॉर्डिंगली वो डिवाइड हो जाए। और फिर वो जो है आगे स्टेप टू में इतना क्लियर नहीं हो रहा, द पैकेट्स ट्रेवल फ्रॉम राउटर टू राउटर ओवर द इंटरनेट अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल। यानी आपके जो पैकेट्स हैं वो राउटर टू राउटर स्विच करते हैं, और फिर आखिरकार वो डेस्टिनेशन पर पहुँचते हैं। फिर लेयर 3 पर टीसीपी प्रोटोकॉल रीअसम्बल्स द पैकेट्स इन टू द ओरिजिनल स्टेट। यानी फिर टीसीपी की जो होती है ना प्रोटोकॉल, इसका काम होता है कि ये रीअसम्बल करती है वो, जिसके अभी मैंने सीक्वेंसिंग का नाम लिया, तो इस सीक्वेंसिंग को हैंडल कर रही होती है आपकी टीसीपी लेयर या टीसीपी प्रोटोकॉल। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो है ये प्रोटोकॉल है, और दोनों का कॉम्बिनेशन बड़ा बेहतरीन है, टीसीपी का भी और आईपी का भी। तो इस तरह से सेंडर से राउट रिसीवर तक आपका पैकेट जो है वो पहुँचते हैं। तो बच्चे, ये था आपका टीसीपी आईपी। इस पर शॉर्ट नोट भी आ सकता है क्वेश्चन, या फिर लॉन्ग भी आ सकता है। लॉन्ग में भी आपने बस इतना ही लिखना है, ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जरा देखते हैं, हमारे पास है क्वेश्चन, व्हाट आर वेरियस लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन ओवर टेलीफोन नेटवर्क। टेलीफोन नेटवर्क पर दो तरह से कम्युनिकेशन आपकी हो सकती है, एक ISDN के ज़रिए से और एक DSL के ज़रिए से। देखिए, आजकल तो DSL आप सुनते हैं, हर जगह हर घर में लगा होता है DSL, लेकिन इससे पहले ISDN बड़ा पॉपुलर रहा, डोमेस्टिक लेवल पर भी या इवन कमर्शियल लेवल पर भी। क्या होता है, ज़रा रीड करते हैं इसको। इनफैक्ट दोनों ये जो है ना, आपकी टेलीफोन लाइंस यूज़ कर रही होती हैं। ISDN भी टेलीफोन का मीडियम, वो जो PTCL की लाइन है वो उसके लिए रिक्वायर्ड होती थी, इसी तरह DSL के लिए भी PTCL की एक लाइन रिक्वायर्ड होती है। तो दोनों उसी चैनल को यूज़ करती हैं, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है, ज़रा हम देखते हैं। ISDN लाइन प्रोवाइड्स फास्टर ट्रांसफर रेट्स देन डायल अप टेलीफोन लाइन्स फॉर स्मॉल बिजनेस एंड होम यूज़। आपको तो नहीं आइडिया डायल अप जो है टेलीफोन कैसे वर्क करता था। इंटरनेट पहले जब हम बच्चे थे, तो DSL तो ऑब्वियसली नहीं होता था, तो डायल अप होता था, डायल अप मॉडेम होता था, और उसकी एक स्पेसिफिक बड़ी आवाज़ एक होती थी, बड़ी खूबसूरत सी आवाज़ होती थी वो, मैं बड़ा अभी तक मुझे मैं इंजॉय करता हूँ, अभी तक मुझे बड़ी अपीलिंग सी उसकी आवाज़ है। तो वो जो है ना, थोड़ी देर के लिए, यानी वो जब डायल करता था तो उसकी एक आवाज़ आती थी, और फिर वो सिंक होता था एक सर्वर मॉडेम के साथ, तो फिर वो उसका एक कनेक्शन स्टैब्लिश होता था। लेकिन उसकी जो स्पीड थी मैक्सिमम, वो 56 किलोबिट पर सेकेंड थी, वो भी समटाइम्स कंप्लीट नहीं मिलती थी। तो एक इस तरह का, लेकिन ये कि इंटरनेट आपका छोटा मोटा काम हो जाता था उससे, तो जो कि स्मॉल बिजनेस या होम यूजर्स के लिए। ISDN स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। इससे क्या मुराद है कि इंटीग्रेटेड, बहुत सारी सर्विसेज आप इंटीग्रेटेड फॉर्म में इसके थ्रू एक्सेस करते थे, मगर डिजिटल फॉर्म में। इट इज़ अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर डिजिटल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा ओवर स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन। यानी अगर आपने उसी टेलीफोन लाइन को यूज़ करना है, तो आप ISDN जो था ना टेलीफोन डायलअप से बेहतर था, जो हम मैं डायलअप की जो बात कर रहा हूँ ना, डायलअप से ज़रा एक बेहतर सर्विस थी ISDN की फॉर्म में। और ये कुछ स्टैंडर्ड्स का एक सेट था जो कि आपको डिजिटल ट्रांसमिशन जो है वो पॉसिबल बनाता था। वन टेलीफोन लाइन कैन कैरी 3 और मोर सिग्नल्स एट वन टाइम यूजिंग द सेम लाइन। इस पे ये होता था कि काफ़ी सारे सिग्नल्स जो थे ना आपके ISDN की बेसिस पर, वो फॉर्म हो जाते थे, और इस तरह से आप बैक वक्त, यानी आप एक ही वक्त में जैसे कॉल भी आपकी आपकी जा सकती थी, और
साथ साथ आपकी जो डाटा भी वो भी ट्रांसमिट हो सकता था। ISDN प्रोवाइड्स द ट्रांसफर रेट अप टू 1.54 मेगाबिट्स पर सेकेंड, और इसकी स्पीड डायलअप से कदरे बेहतर थी, 1.54 मेगाबिट्स पर सेकेंड, जबकि उसकी जस्ट 56 किलोबिट्स पर सेकेंड, बहुत फ़र्क है। नेक्स्ट DSL, इट स्टैंड्स फॉर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, इट यूज द स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन फॉर फास्ट स्पीड डाटा ट्रांसमिशन। DSL को हम कहते हैं जनाब डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, और ये भी वही टेलीफोन की लाइन यूज़ करती है और फास्ट स्पीड आपको प्रोवाइड करती है। इवन ये आपके 1 MB का कनेक्शन, ठीक है, 1 MB से भी इवन कम का कनेक्शन ही सपोर्ट करती है। स्टूडेंट का पैकेज जो आता है ना समटाइम्स, वो इससे भी कम की जो है, लेकिन मैक्सिमम जो है काफ़ी ज़्यादा इसकी बैंडविड्थ है जो कि सपोर्ट होती है। और ये PTCL अपने एंड पर ही कंट्रोल करता है, और उसी DSL मॉडेम पर आपकी जो स्पीड है ना वो कम ज़्यादा वो कर देते हैं और उसको कंट्रोल कर लेते हैं। DSL इज़ ईजियर टू इंस्टॉल, इसको इंस्टॉल करना ईजियर है एंड प्रोवाइड्स हायर डाटा ट्रांसफर रेट्स देन ISDN लाइन। ISDN के मुकाबले में काफ़ी अच्छी सर्विस है। ISDN अब ऑब्सोलीट हो गया, पुराना हो गया, अब तो मैं नहीं सुनता कि कहीं ISDN जो है वो यूज़ हो रहा है, लेकिन था काफ़ी यूज़ रहा DSL से पहले इसका। द यूज़र नीड्स टू कनेक्ट टू DSL, ऑब्वियसली DSL में भी जो है ना वो कनेक्शन होता है, आपका मॉडेम सिंक कर रहा होता है दूसरे एंड पर जो मॉडेम है उसके साथ, और इसमें आपके DSL को जो है ना, आप ये समझ लें कि आपकी जो ISP है ना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उनके पास काफ़ी सारे IP एड्रेसेस होते हैं। उनमें से सपोज़ अगर मैं कहता हूँ उनके पास 50 IP एड्रेसेस हैं की रेंज है, उसे पूल कहते हैं, पूल ऑफ एड्रेसेस, तो उसमें से कोई एक IP एड्रेस आपको मिल जाता है, तो हर दफ़ा आपका IP एड्रेस जो है ना वो चेंज होता है DSL का, हर दफ़ा आपको नया IP एड्रेस उस पूल में से असाइन हो जाएगा। तो कोई फिक्स IP नहीं होता आपकी DSL की लाइन का। द यूज़र नीड्स टू कनेक्ट टू DSL, यानी आपके हर दफ़ा जब यूज़र जो है ना वो कनेक्ट होता है नए सिरे से, उसको एक IP असाइन होता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर टू यूज़ द इंटरनेट, यस, इट प्रोवाइड्स अ ट्रांसफर रेट ऑफ 128 किलोबिट्स पर सेकेंड टू 10 MB पर सेकेंड, यानी 128 से स्टार्ट होता है और 10 MB पर सेकेंड तक ये स्पीड प्रोवाइड करता है। इट अलाउज़ द यूज़र टू यूज़ फ़ोन एंड इंटरनेट एट द सेम टाइम, और ये बेक वक्त आपको फ़ोन और इंटरनेट भी जो है इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। DSL वर्क्स बेटर व्हेन द कंप्यूटर इज क्लोज टू द सर्विस प्रोवाइडर्स ऑफिस, यस, यानी आपकी DSL की स्पीड ज़रा बढ़ जाती है, अच्छी हो जाती है जब आपका कंप्यूटर उनके सेंटर से, उनका जहाँ पर स्विचिंग सेंटर है उससे अगर करीब है, तो इसकी सर्विसेज आपकी ज़्यादा बेहतर, बैंडविड्थ बढ़ जाती है और क्लैरिटी होती है। DSL इज़ अ पॉपुलर डिजिटल लाइन अल्टरनेटिव फॉर द स्मॉल बिजनेस और होम यूज़र, यस, एक डिजिटल, ऑब्वियसली एक डिजिटल लाइन एक अल्टरनेटिव है, और उससे आप डिजिटली डाटा सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, और छोटे जो बिजनेसेस होल्डर्स हैं, जो स्मॉल लेवल पर जो हैं या होम यूज़र्स हैं, तो उनके लिए बड़ा मुनासिब है। इवन इसमें DSL में कॉरपोरेट पैकेजेस भी हैं, और ठीक है, तो आपके कमर्शियल लेवल पर भी काफ़ी सारे इनके पैकेजेस हैं और कामयाब एक सर्विस है। जबकि आजकल तो फाइबर ऑप्टिक का दौर है, और नई नई जो है वो, जो अब मुझे नाम याद नहीं आ रहा, माइक्रोटेल की सर्विस है, नया टेल जो है ऑप्टिक फाइबर आप इंस्टॉल करते हैं, तो वो बड़ी अच्छी सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो ये बहरहाल टेक्नोलॉजी तो चेंज होती रहती है वक्त के साथ साथ और इम्प्रूव करती रहती है, तो ये भी DSL बहरहाल अभी तक इन है और कामयाब है। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे, अभी हमारा जो लेक्चर हो गया तकरीबन 15 मिनट्स का होने वाला है। हम फिर कल इंशाल्लाह थोड़ा सा हम देखेंगे OSI मॉडल के बारे में, ज़रा देख लेंगे, थोड़ा सा इथरनेट के बारे में ज़रा एक्सप्लोर करेंगे। आई होप कि कुछ चीज़ें आपको समझ आई होंगी, जो अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कर सकते हैं क्वेश्चन। थैंक यू फॉर टुडे, अस्सलाम वालेकुम।